नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि आपकी सिरहाने रखी हुई कुछ चीजें आपकी गरीबी और कंगाली का कारण बन सकती हैं और आपके घर में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े और दरिद्रता ला सकती हैं, आपके भाग्य पर ताला लगा सकती हैं और आपकी किस्मत के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर सकती हैं। यह शायद सुनने में अटपटा सा लगेगा, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि रात को सोते समय अगर हम अपने सिरहाने कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं जो अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं का समावेश कर लेती हैं, तो हम चाह कर भी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकते और इन चीज़ों से ना केवल आपको पैसों से जुड़ी हुई तकलीफों का सामना करना पड़ता है, बल्कि इनकी वजह से आपके रिश्तों में भी दूरियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, आपके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती और आपकी उन्नति के मार्ग में बाधा आनी शुरू हो जाती है और ना केवल आप शारीरिक बल्कि मानसिक और आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। तो क्या आप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि गुरुजी ने कौन सी चीज़ें सोते समय अपने सिरहाने रखने के लिए मना किया? अगर हाँ, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपने जीवन में एक साथ बहुत सारी परेशानियों के बीच में घिर जाते हैं, तो एक बार वास्तुशास्त्र की तरफ कदम बढ़ाना जरूर चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखता है जितना कि ज्योतिष शास्त्र और धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए शास्त्र। कहा जाता है कि जब भी हम अपने घर का निर्माण कराते हैं, तो वास्तु के हिसाब से ही सही दिशा का और सही समय का होना बेहद जरूरी होता है। उसी तरह गुरुजी ने बताया कि रात को सोते समय भी अगर हम कुछ गलतियां कर देते हैं, तो हमारे आसपास का वास्तुशास्त्र बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हमें अशुभ प्रभाव देखने को भी मिलते हैं। तो आखिर कौन सी हैं वो वस्तुएं जो रात को सोते समय हमें अपने सिरहाने नहीं रखनी चाहिए? तो इस बारे में गुरुजी का कहना है कि किसी को भी रात को सोने से पहले अपने सिरहाने या फिर अपने आसपास धन से जुड़ी हुई वस्तु या फिर पर्स भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धन माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ होता है और अगर आप सोते समय धन को या धन से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को अपने आसपास रखते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। सोते समय हमारे आसपास कई सारी नकारात्मक शक्तियां और ऊर्जा इकट्ठा हो जाती हैं और अगर आप अपने सिरहाने पर अपना पर्स रखकर सोते हैं, तो यह सभी शक्तियां आपकी लक्ष्मी को प्रभावित करती हैं, जिससे आपके धन की हानि होने लगती है, आपके खर्च बढ़ने लगते हैं और आप आर्थिक रूप से कमजोर होने लगते हैं। तो अगली बार से भूल कर भी अपने बिस्तर के आसपास रुपये, पैसे और पर्स जैसी चीज़ें बिल्कुल भी ना रखें। इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि आज की जनरेशन में सभी लोग सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। सोने से पहले इन सभी चीज़ों को वह अपने बिस्तर के आसपास या फिर अपने सिरहाने रखकर सो जाते हैं, लेकिन लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि ना तो यह धार्मिक रूप से आपके लिए उचित है और ना ही शारीरिक रूप से। जब भी हम अपने बिस्तर के आसपास किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को रखकर सोते हैं, तो उसमें से निकलने वाली तरंगे हमें मानसिक रूप से बीमार बना देती हैं। साथ ही यह सभी तरंगे नकारात्मक शक्तियों को अवशोषित करती हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और आप बीमार हो सकते हैं। तो अगर आपको भी मोबाइल, लैपटॉप अपने आसपास रखकर सोने की आदत है, तो आज से ही इस आदत को बदल लीजिए। इसके अलावा कई लोगों की आदत रात को सोने से पहले किताब पढ़ने की होती है और सोते समय हम उन किताबों को अपने आसपास ही रखकर सो जाते हैं। तो गुरुजी का कहना है कि यदि आप पढ़ने लिखने से जरूरी जुड़ी हुई चीज़ें या फिर किताबें, न्यूज़पेपर, मैगजीन अपने बिस्तर के आसपास रखकर सोते हैं, तो इससे ना केवल सरस्वती माता का अपमान होता है, बल्कि आपके जीवन में भी तनाव की स्थिति बनी रहती है, आप मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं और कई बार अवसाद की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो अगर आपको भी किताबें पढ़ने का शौक है, तो रात को सोने से पहले उन्हें उनकी जगह पर जरूर रखें।
इसी के साथ वास्तुशास्त्र में यह कहा जाता है कि आपके कमरे में दर्पण नहीं होना चाहिए, और यदि आप अपने कमरे में दर्पण लगाते हैं तो वह इस प्रकार लगा होना चाहिए कि आपके बिस्तर की परछाई या फिर आपके आंतरिक पलों का प्रतिबिंब उस दर्पण पर ना पड़े, क्योंकि इससे आपके रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाती है। पति पत्नी के बीच में मनमुटाव बढ़ता है और आपके जीवन में कई तरह की रुकावटें शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ अगर आप अपने बिस्तर के आसपास या फिर सिरहाने दर्पण रखकर सोते हैं तो ये ना तो आपके संबंधों के लिए अच्छा है और ना ही आपके भाग्य के लिए। तो अगर आप अपने प्यार भरे पलों को सहेज कर रखना चाहते हैं और अपने जीवन में लगातार उन्नति के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो अपने शयन कक्ष में से दर्पण को हटा दें, और यदि आपके दर्पण में आपके बिस्तर का प्रतिबिंब पड़ता है तो रात को सोने से पहले दर्पण को ढक कर सोएं। इसी के साथ गुरुजी ने कहा कि चाहे महिला हो या पुरुष, किसी को भी अपने बिस्तर के आसपास ओखली रखकर कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ओखली को अगर आप इसे अपने शयन कक्ष में इसे रखकर सोते हैं तो ना केवल आपके जीवन में लड़ाई झगड़े और क्लेश बढ़ते हैं बल्कि आपके संबंधों में भी लगातार खटास और तनाव का माहौल बना रहता है। आपके जीवन में सुख शांति खत्म हो जाती है और घर के जितने भी सदस्य होते हैं उनके बीच में प्रेम भाव का भी अंत हो जाता है और मन मुटाव बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए भूल कर भी अगर आप अपने घर में ओखली का इस्तेमाल करते हैं तो इसे अपने बिस्तर के पास कभी भी ना रखें। इसके अलावा कुछ लोगों की आदत होती है कि वह रात को सोने से पहले अपने सिर में तेल की मालिश करते हैं या फिर अपने शरीर पर तेल लगाकर सोते हैं और सोने से पहले उस तेल की शीशी को अपने बिस्तर के आसपास ही रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ आने से खुद महादेव भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आपके सिरहाने पर रखी हुई तेल की शीशी आपकी कुंडली में शनिदेव के प्रकोप को बढ़ाती है और आपको न केवल शारीरिक बल्कि आर्थिक और मानसिक रूप से भी बीमार बना सकती है। तो अगर आपको भी रात में तेल लगाकर सोने की आदत है तो तेल की शीशी को अपने सिरहाने से दूर हटाकर रखिए, तभी आप अपनी जिंदगी में सुखी रह सकते हैं। इसके साथ ही अपने बिस्तर के आसपास कभी भी जूते चप्पलों को नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि यह जूते चप्पल बाहर से चलकर आते हैं और रास्ते की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ ले आते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो आपके आसपास की शक्तियां अपने पूरे चरम पर होती हैं और जूते चप्पलों में से जो निगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है इसका प्रभाव आपकी कुंडली पर पड़ता है और आपके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो अगर आप भी यह गलती करते हैं तो इसे आज से ही सुधार लीजिए, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा कि पहले सभी लोग सोने से पहले अपने शयन कक्ष में पानी भरकर जरूर रखते हैं, क्योंकि रात्रि में प्यास लगने पर वह इस पानी को पी सकें। तो अगर सोने से पहले अगर आप अपने कमरे में पानी रखकर सोना चाहते हैं तो इसे गलती से भी अपने सिर के पास ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपका चंद्रमा प्रभावित होता है और आप मानसिक तौर पर बीमार रहते हैं। इससे आपको सर दर्द और माइग्रेन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जिन्हें गुरुजी ने सोने से पहले अपने व बिस्तर के पास रखने के लिए मना किया। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।